नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना योग गुरु उमेश जोशी। साथियों, आज का जो विषय है वो है भागवत ज्ञान धारा का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं उस शाश्वत सत्य की जिसका प्राकट्य ही सत्यम परम धीमहि से कहा गया है, सच्चिद आनंद स्वरूप से ही कहा गया है। हम जब परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस सुदृढ़ ज्ञान को अपने अंदर अर्जित करते हैं, जैसा कि भागवत कथा हम लोग कई बार सुनते हैं, ऐसे वृत्तांत हम अनेकों बार सुनते हैं, और एक ऐसी अविरल रस धारा उस ज्ञान के अंदर विद्यमान रहती है कि हम उसको जितनी बार पुनरावृत्ति करके सुनते हैं उतना ही ज्यादा आनंद रस हमारे अंदर, उतना ही ज्यादा उत्साह हमारे अंदर बनना आरंभ हो जाता है। ये है हमारे उस ध्यानात्मक शरणागति होने वाले संबंध से। ध्यान के अंतर्गत ज्ञान का एक बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह हनुमान जी ने सूर्य देवता को अपना गुरु बनाया, एक बार सूर्य के पास ही उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, तो सूर्य देवता हनुमान जी के गुरु हैं और बचपन से उनकी उन्हें ज्ञान की अभिलाषा थी। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो, इतना अकल्पनीय ज्ञान उनके आरंभ से बना रहा। सूर्य को उन्होंने अपना आराध्य देवता गुरु के रूप में स्वीकार किया हनुमान जी ने। उसके तदुपरांत हम लोग जब हमारे जनेऊ संस्कार होता है या जीवन में जब हम गायत्री मंत्र को धारण करते हैं या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो गायत्री मंत्र का अर्थ भी है प्रकाशमय जीवन को, अर्थात सूर्य देवता की आराधना करना। तस् वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और जब हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं तो सूर्य देवता अर्थात ज्ञान के देवता, गायत्री को महामंत्र कहा गया। उसी तरह थोड़ा सा ध्यान व ज्ञान की बात कर लेते हैं। ज्ञान की डेफिनेशन को एक छोटे से एग्जांपल से हम बात करते हैं। जिस तरह अगर हम किसी पानी की टंकी में पानी को भरते हैं तो वो एक समय के तदुपरांत समाप्त हो जाता है, उसे हम कहते हैं अधूरा ज्ञान अर्थात विस्मृत हो जाना। इसी तरह जब हम स्वचिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वमनन करते हैं और जब हम स्व की यात्रा करते हैं, जब हम ध्यान के प्रति जागृत होने की उत्कंठा को अपने अंदर उत्पन्न करते हैं, तो उस अवस्था में हम उस जल तत्व को प्राप्त करने के लिए अपने अंतर ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से कुएं की उत्पत्ति करते हैं, एक कुएं को निर्मित करते हैं। कुएं का अर्थ है ज्ञान की विस्मृति ना होना बल्कि ज्ञान की निरंतरता बने रहना, ज्ञान रूपी जल का निरंतर पदार्पण बने रहना। जैसा कि आज जो शब्द लिखा है भागवत ज्ञान धारा, तो भागवत कथा के प्रारंभ में जब परमपिता परमेश्वर हमारे आदि देव, जिनका ना आदि है ना मध्य ना अंत है, श्री हरि भगवान विष्णु जो नीर में निवास करते हैं, शांताकारम है, भुजंग सैनम है, उन्होंने स्वयं के काम के द्वारा नाभि में ब्रह्म के ऊपर एक ब्रह्म कमल को स्थापित किया जिसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई चतुरानंद की। और ब्रह्मा जी का जब प्राकट्य हुआ उसके तदुपरांत उन्होंने खोजने की कोशिश की कि मेरा प्रकटीकरण कहाँ से है,
जब उस कमल नालिका के अंदर प्रवेश किया तो उसका कोई वो अनंत था, उसकी सीमा, वो यात्रा करते रहे लेकिन उनको उसका अंत नहीं मिला। तदुपरांत वो वापस आए और उसी स्थान पर बैठ गए। बैठने के तदुपरांत उन्होंने इसके तदुपरांत आंखें बंद करी, स्व की यात्रा को आरंभ किया तो उन्हें दो मंत्र सुनाई दिए, जिस तरह जब पानी की बूंदें गिरती तप तप तप, इस तरह से तप नुमा शब्द, तपस्या नुमा शब्द उन्हें सुनाई दिया। तदुपरांत उन्होंने उस ध्यानात्मक अनुभव को आरंभ किया स्व के माध्यम से। जब हम अंदर की यात्रा करते हैं, स्वयं के अंदर खोजने की यात्रा को स्थापित करते हैं, आरंभ करते हैं, तो स्वतः ही वह हमारा मूल, वह हमारा आदि परमेश्वर हमें हमारे सम्मुख आने के लिए लालायित हो जाता है। ध्यान रूपी अवस्था का पदार्पण, ध्यान को हम परमात्मा के रूप में, ज्ञान को हम परमात्मा के रूप में महसूस कर सकते हैं। तदुपरांत जब ब्रह्मा जी ने इस तरह से तपस्या करी तो फिर श्री हरि का प्राकट्य हुआ और श्री हरि ने उन्हें, भगवान विष्णु ने उन्हें चतुश्लोकीय भागवत का ज्ञान प्रदान किया। कहने का अर्थ है कि हमें उस टंकी की तरह नहीं बनना है जिसमें पानी भरा और खाली हो गया, हमें प्रयास करना है अपने अंतर जगत पे, उस जलाशय पे प्रवेश करने का प्रयास करना है जहां पर ज्ञान रूपी स्थिति का अनुभव स्वतः ही धीरे धीरे आपके अंदर उत्पन्न होना आरंभ हो जाता है। ज्ञान के लिए आपको किसी पुस्तक के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंतर जगत में सच्चित आनंद रूपी अवस्था को प्रदार्पित करते हुए श्रद्धा के साथ, लगन के साथ, जब हम स्वयं के अंदर की यात्रा को आरंभ करते हैं तो हमारे अंदर प्राकट्य होता है, हमारे अंदर वह अकल्पनीय ज्ञान उत्पन्न होना आरंभ हो जाता है, वो अनुभूतियां होनी आरंभ हो जाती है, जो जीवन को आनंदमय स्थिति के साथ संलग्न करना आरंभ करती है, जो जीवन को समायोजन के साथ निरूपित करना आरंभ कर देती है। तो कहने का अर्थ है जब हम तप करते हैं, तपस्या करते हैं, कोई भी कार्य को हम कर रहे हैं तो उसमें तप रूपी अवस्था का समावेश है। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने पहले यम बताया है नियम में, सोच संतोष तप, जब तप तप करेंगे तो स्वतः ही स्वाध्याय होगा। कितना अकल्पनीय एक एक संगम, एक संबंध बताया है, जब आप तप करते हैं, तपस्या करते हैं, उसके तदुपरांत स्वतः ही स्वाध्याय होना आरंभ हो जाता है। तपस्या का अर्थ है स्वाध्याय, स्व का चिंतन, अंतर्मुखी उस जलाशय में अपने आप को स्थापित करना जिसमें अनंत सीमाएं विद्यमान है, अनंत है, अनंत जिसकी यात्रा। तो स्वतः ही जब हम स्वाध्याय रूपी अवस्था को अपने अंदर स्थापित करना आरंभ कर देते तो हमारी स्थिति इस प्राणिधान हो जाती है, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। अर्थात कहने का अर्थ है जब हम तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, स्वयं को निरूपित करते हैं, तब हमारे अंदर वो रस उत्पन्न होना आरंभ हो जाता है। इसलिए उस रस को जानने के लिए थोड़ा सा तप करें, स्वाध्याय करें, जितने भी मित्र हैं, साथी हैं, सहपाठी हैं, अनुज हैं, हमारे अग्रणी हैं, पूजनीय हैं, उनसे निवेदन करूंगा कुछ ना कुछ समय तप रूपी सच्चिद आनंद रूपी सत्संग के साथ संग जोड़ने के लिए जरूर निकालें। तो एक अकल्पनीय चतुश्लोकी भागवत जब तप के द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को प्रदान की और नारद जी ने वेद व्यास जी को उन चतुश्लोकीय भागवत का ज्ञान प्रदान किया और उसी चतुश्लोकीय भागवत के माध्यम से वेद व्यास जी द्वारा अकल्पनीय काव्य भागवत ग्रंथ का वो अमृत रस है, वो अमृत तो प्रदान करने वाला है। 335
इसके अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, और इस तरह से परमात्मा ने उसका एक अनुचिंतन के रूप में उसे प्रेषित किया, चतुश्लोकियों को एक से अनेक बना दिए। इस तरह की साधना महर्षि वेद व्यास जो साक्षात भगवान श्री हरि के ही स्वरूप माने जाते हैं, और उस स्थान पे उसका लेखन कार्य किया जिसे कि हम उत्तराखंड की एक पावन भूमि बद्रीनाथ धाम देखिए कितना अकल्पनीय एक समावेश है। और उस स्थान पे जो नदी विद्यमान है उसे हम व्यास जो गुफा है जहां पर भगवान निरंतर बद्री धाम जहां पर निरंतर निवास करते हैं हमारे श्री हरि, तो उसी के समीप सरस्वती की जलधारा निरंतर, वह गंगा का ही स्वरूप है। और जब भागवत कथा को सुनाया गया उससे पहले भक्ति ज्ञान वैराग्य तीन स्थितियां थी। भक्ति का जो संबंध बना है वो वृंदावन से बना है, वृंदावन अर्थात यमुना नदी। देखिए कितना अकल्पनीय संगम हो रहा है। सर्वप्रथम सरस्वती के तट पर लिखा गया, यमुना में भक्ति की उत्पन्न हुई, उत्पत्ति को जागृत किया जब भक्ति में पुनर्जागरण हुआ है वृंदावन के समीप। तदुपरांत आनंद घाट गंगा नदी के किनारे सर्वप्रथम भागवत का कथा का अनुचिंतन किया गया है, उसको बोला गया है, अर्थात त्रिवेणी संगम। जिस तरह से गंगा यमुना और सरस्वती का प्रयागराज में एक संगम है, अब देखिए गंगा का क्या डेफिनेशन है, गंगा क्या प्रदान कर रही है। गंगा हमें क्या देती है, हमें तरलता देती है, सरलता देती है, निर्मलता देती है, शीतलता देती है और मधुरता प्रदान करती है। देखो कितना अकल्पनीय संबंध गंगा का, जब लोग हम गंगा शब्द को ही धारण करते हैं तो तुरंत क्या शब्द निकलते हैं, तरलता, सरलता और निर्मलता, शीतलता, मधुरता, एक अकल्पनीय संबंध। तो गंगा के उस पावन पावन जल की महिमा को आप समझिए, जिस तरह गंगा यमुना और सरस्वती का समावेश है उसी तरह जब भागवत कथा को लिखा गया है तो भागवत कथा का एक सार है, समस्त वेदों का सार है। एक छोटी सी घटना और आप लोगों के सम्मुख प्रेषित करता हूं। महाराज परीक्षित हैं और महाभारत की घटना का ही संबंध है, कलयुग का आरंभ होने को जा रहा है। महाराज परीक्षित अपनी माँ उत्तरा के गर्भ पर हैं और अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उसको समाप्त करने का एक संकल्प, दौड़ती हुई उत्तरा भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित होती है। तो भगवान गर्भ में जाकर महाराज परीक्षित की रक्षा करते हैं। देखिए सुनिएगा इस वृत्तांत को। जब भगवान श्री हरि संसार में है और परीक्षित गर्भ में है तो उस समय भी भगवान श्री हरि ने गर्भ में जाकर उस ब्रह्मास्त्र का वेदन कर महाराज परीक्षित की रक्षा की है गर्भावस्था में ही। तदुपरांत अब सुनिएगा उसी वृत्तांत को आगे की ओर, कितना अकल्पनीय रस है हमारे। तदुपरांत परम पिता परमेश्वर की कृपा को आप देखिए, जब अज्ञानवश समीक ऋषि के गले में सर्प को डाल दिया जाता है महाराज परीक्षित के द्वारा, तो श्रृंगी ऋषि द्वारा उन्हें श्राप दिया गया है तत्क्षण 7 दिन के बाद परीक्षित को तक्षक नाग द्वारा काट दिया जाएगा। इस तरह का श्राप उनके पुत्र द्वारा दिया गया जिसने मेरे पिता के ऊपर इस मरे हुए सर्प को डाला है गले। तो आप देखिए, आप सिर्फ 7 दिन का समय है, जैसे ही गले में अर्थात देखिए इस गले में डाला है तो 7 द्वार हमारे ऊपर ही बच जाते हैं, जैसे 2 आंखें हैं, 2 नथुने हैं,
दो हमारे अप्रमाद केंद्र कान है, श्रवण शक्ति जहां से है, और मुंह सात बार। तो सात दिन के अंदर ऐसा श्राप ऋषि के द्वारा दिया गया है। लेकिन अब उस श्राप से मुक्त करने का भी एक सरलतम माध्यम, देखिए परमात्मा जब थे तब भी माध्यम दिया था, तब परमात्मा ने गर्भ में रक्षा करी थी, उसके बाद परमात्मा ने परीक्षित का उद्धार करने के लिए भागवत रस रूपी ज्ञान का रसापान सुखदेव जी के माध्यम से प्राप्त किया है। अर्थात कहने का अर्थ है कि प्रभु प्रारंभ में भी रक्षा कर रहे हैं और तदुपरांत मुक्ति के लिए भी प्रभु के नाम का ही उस भव सागर को, इस भव सागर रूपी अवस्था को मुक्त करने के लिए भागवत रसामृत अमृत के द्वारा महाराज परीक्षित को अपने लोक में ले जाते हैं, अपने उस चतुर्भुज लोक में जहां भगवान और सभी लोग चतुर्भुजी आवरण में निवास करते हैं। तो कहने का अर्थ है जब आप जीवन में भागवत रस रूपी, ज्ञान रस रूपी, ध्यान रस रूपी, स्वचिंतन रूपी अवस्था को अपने अंदर जानने के लिए उत्सुक होते हैं तो परमात्मा की कृपा दृष्टि के पात्र आप बनना आरंभ हो जाते हैं। और जब हम साधना करते हैं, तप करते हैं, तो तप से समाधान आते हैं। जिस तरह निरंतर हिमालय वगैरह जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं वो भी तप कर रही हैं, तप के तदुपरांत नदियों का प्राकृत्य वहां से हो रहा है, तो ऐसे ही अविरल गंगा की जल धारा जब हम तप करते हैं तो हमारे अंदर तरलता, सरलता, मधुरता, ये गुण हमारे अंदर स्वतः ही आने लगते हैं। तो साधना को, स्वाध्याय को, स्वचिंतन को, अपने अंदर उस रस को आप देखना आरंभ कीजिए तो जीवन में, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप अमृत रस की एक बूंद को भी धारण करेंगे तब भी अमर होते हैं, अगर एक पूरे घड़े को भी अगर आप पी लेते हैं तब भी अमरता का रस आपके अंदर आ जाता है, चाहे आप एक रूप बूंद को ही धारण करें। तो उसी अमृत रूपी रस धारा को हम भागवत ज्ञान धारा के रूप में देख सकते हैं। परमात्मा की उस निर्मल कल कल छल छल धारा का स्वरूप हमारी सनातन धर्म रूपी अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो जीवन में जब भी आपको सुअवसर मिलते हैं तो आप अपने परमात्मा के द्वारा समर्पित उन वेदों के ज्ञान को जानने की उत्कंठा को, क्योंकि सत्यम परम धीमहि, जब आप अपने अंदर जाएंगे तो समस्त समाधान आपके सम्मुख आएंगे। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिस दिन हमारे अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो उसी दिन अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति भी, उसके तदुपरांत धीरे धीरे जब हम अंदर की ओर बढ़ते हैं तो हमें महसूस होने लगता है कि मैं भी परम पिता परमेश्वर की संतान हूं। तो सबसे पहले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञासा को जानने के लिए सौ की अंतकरण में आपको प्रविष्ट होना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आपने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का ब्रह्म जगत है और सब मिथ्या है, इस तरह की भावना आपके अंदर, आपने समावेश करना है, आपके अंदर समावेश आ जाता है जब आप ब्रह्म को जान लेते हैं, अनुकूलन आ जाता है, अनुशीलन आ जाता है। एक बार एक व्यक्ति सत्संग सुनने के लिए जाता है, सत्संग की धारा को अपने अंदर धारण करके आते हैं और घर पे आते हैं तो उसकी पत्नी जो है उनसे प्रश्न करती है, आप कैसे हैं? तो वो आंसर देता है, सब कुछ मिथ्या है,
ब्रह्म शक्ति है। इसी तरह उनके मित्र भी आते हैं, उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं, तो तब भी वही आंसर करते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है और सारी चीजें मिथ्या हैं। ब्रह्म को सब कुछ बताते हैं। इसी तरह जिस घर में वो रहते हैं तो उसका जो मकान मालिक है बार बार दो चार दिन से घर पे आ रहा होता है तो उसकी पत्नी बताती है कि वो बार बार किराए के लिए घर पे आ रहे हैं, तो उसी तरह आंसर करते हैं कि सब मिथ्या है, संसार जो कि मिथ्या है और ब्रह्म ही सर्वेश्वर है। तदुपरांत वो थका हुआ होता है, थोड़ी देर सो जाता है, सोने के तदुपरांत जब वो उठता है तो अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो उसकी धर्मपत्नी कहती है सब कुछ मिथ्या है, संसार जगत की सारी चीजें मिथ्या है, सिर्फ ब्रह्म ही सर्वेश्वर। इस तरह से दो तीन बार उस बात को कहती है। तदुपरांत उसको जब समझ में आ जाता है कि संसार में सारी चीजें हमने करनी है, दूसरे दिन प्रातःकाल उठता है, पत्नी नाश्ता देती है और तुरंत उन सारी चीजों को पूर्ण, क्योंकि परमात्मा ने जब कहा है मिथ्या है, मिथ्या का अर्थ है कि हमें समावेश करके, जब हम ब्रह्म की शक्ति हम अपने अंदर प्रवेश कर लेते हैं, ब्रह्म को हम जानना आरंभ करते हैं, तो हमारे अंदर उसका प्राकृतिक होना आरंभ हो जाता है, वो हमें संतुलन देता है, हमें परमात्मा की स्थिति को, हमें जब संसार जगत में रहना है तो समायोजन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कहने का अर्थ है कि हम जब भी संसार में रहें तो संसार के अनुरूप अपने कार्यों को सचित स्वरूप के साथ करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, संसार से भागे नहीं बल्कि समाधान को अपने अंदर करें। जब आप भक्ति करते हैं, उसको चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो आपके अंदर समाधान आना आरंभ हो जाता है। तो इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि तप रूपी अवस्था को अपने अंदर उत्पन्न करें, तपस्या करें, तप करेंगे स्वाध्याय आएगा, स्वाध्याय होगा और स्वाध्याय के तदुपरांत ही ईश्वर प्राणिधान परमात्मा की शरणागति का अनुभव, अर्थात हम परमात्मा के प्रति समर्पित होने का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। परमात्मा के लिए समय निकालिए, स्व के लिए समय निकालिए, साधना कीजिए और आज गणेश चतुर्दशी है तो भगवान श्री गणेश का वक्र तो आता है, सूर्य को भी समर्पण हो, निर्विघ्नम कर मेरे वो शर्वकारी सभी के वहाँ रिद्धि सिद्धि का समावेश हो, आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। राधे राधे आपको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम तस्य, हरि ओम तस्य, हरि ओम तस्य।